कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा 23 अक्टूबर से होगी शुरू। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। 3 यात्राओं का कार्यक्रम जारी। राजभर से सपा के गठबंधन पर बोले विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल, राजभर चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग ढूंढ रहे दल, अगर राजभर इतने शक्तिशाली होते तो अपने दम पर खुद चुनाव लड़ रहे होते। सोनभद्र में सपा से गठबंधन पर बोले राजभर, समाजवादी पार्टी ने मेरी मांगे मानी, 25 अक्टूबर को पीएम मोदी से 4 गुना अधिक भीड़ दिखाऊंगा। सोनभद्र में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान, कहा भाजपा ही एक ऐसी पार्टी जिसने निषादों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, कांग्रेस सपा बसपा के राज में हम कुछ ले जा रहे थे। किसान नेता पूनम पंडित ने ली कांग्रेस की सदस्यता, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की मौजूदगी में पूनम को दिलाई गई पार्टी की मेंबरशिप, पूनम ने कहा वो एक मजबूत बेटी के साथ जुड़ी है। लखनऊ के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जाति के नाम पर बटे तो दंगाई होंगे हावी, विपक्ष के मंसूबों को रोकना है तो एकजुट हो जाओ। जालौन में खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी का बेतुका बयान, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बोले उपेंद्र, आजकल मुट्ठी भर लोग ही डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, 95% लोग डीजल पेट्रोल का उपयोग ही नहीं करते। श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में आपस में भिड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, माइक पर बोलने के लिए कार्यकर्ताओं की लगी होड़।